forever, ever, hold it, never mind. Oh, I. Welcome you all to Soulster. Okay, say aap log. I am back again with the hashtag BVW, by the way, reading daily vibe for my soul tribe. So yes, I could not post because I had gone for ek amazing darshan ke liye. And kamal ki meri journey has started since the time maine ye YouTube चैनल शुरू किया है और ये कम्युनिटी शुरू की है. बहुत से अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं. सो थैंक यू टू द टाइनी लिटिल कम्युनिटी जो हमारे साथ जुड़े हैं शुरू से, उनका बहुत बहुत आभार है. थैंक यू. और जो न्यू जॉइनर्स हमें वॉच कर रहे हैं उनको भी ह्यूज थैंक यू सो मच. एंड मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा. ऑलराइट, एंड अभी हम बात करते हैं आपकी डेली कि आपको क्या जानना है, आपको स्पिरिट मैसेजेस क्या मिल रहे हैं, जिस भी डीटी में मानते हैं, काना में, शिव में, माइकल में, बुद्धा में, एनी हेवनली बॉडी दैट यू बिलीव इन, व्हाट इज द मैसेज दैट यू ट्राइंग टू गिव यू फॉर द कमिंग अपकमिंग 48 आवर्स. एंड ऑल्सो वी क्लोज द रीडिंग, हम लविंग वर्ड्स ऑफ फादर्स इस रीडिंग को क्लोज करते हैं. हिंदी इंग्लिश रीडिंग होती है, ओके. और बीच में हम टेरो की गाइडेंस लेते हैं. सो व्हाट द टेरो इज एडवाइजिंग, आपको क्या सुनना है, बेसिकली वो रीअश्योरेंस आपको क्या चाहिए, वो इनफैक्ट हम टेरो से लेते हैं. और स्पिरिट मैसेजेस और लविंग वर्ड्स ऑफ फादर में ऑब्वियसली व्हेन आई एम मेडिटेटिंग एंड आई एम टैपिंग इनटू द कलेक्टिव वो मैं निकाल लेती हूँ. और टेरो आपके सामने ऑफ कोर्स मैं पुल करती हूँ. सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एंड हम फटाफट से वी गोना सी व्हाट आर योर स्पिरिट मैसेजेस और लविंग वर्ड्स ऑफ फादर इनमें पढ़ते हैं, राइट. सो मेरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और अगर रीडिंग रेजोनेट करेगी तो लाइक भी करेगा. थैंक यू. सो लेट्स मूव ऑन. सो वी हैव आर्कएंजल जोफियल. इट्स ऑल अबाउट शाइनिंग ब्राइट. टाइम इज राइट, शाइन ब्राइट पीपल, राइट. ही सेज दैट यू नो यू हैव ऑल द करेज, यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ. एंड आप यू नो जब बारिश होती है, और आई एम श्योर आप लोगों ने यू मस्ट हैव सीन अ पीकॉक, उसको नाचते हुए देखा होगा, कभी तो देखा होगा या वीडियो में कहीं देखा होगा. वो कितना ब्रिलियंट और कितना ब्यूटीफुल लगता है, राइट. लेकिन वो वेट करता है अपने टाइम की. जब बारिश होती है मोस्टली वो तभी यू नो वो फेदर्स अपने स्पर करता है. सिमिलरली दे सी नाउ इज द टाइम, राइट. अपनी जो ब्रिलियंस है ना उसको एम्पलीफाई करने का समय आ रहा है. गेट रेडी फॉर इट. आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको रिमाइंड करा रहे हैं दैट यू आर अ शाइनिंग स्टार. कीप दैट इन माइंड, ओके. देन वी हैव आर्कएंजल यूरियल. अमेजिंग. कहते हैं दैट यू नो आपके इर्द गिर्द, आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास इतनी ऐसी एनर्जीज हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, बिकॉज आप अंदर से वो वाइब्रेशन एग्ज्यूड कर रहे हैं. आपका जो वो इनर फोर्स है ना वो इतना पॉजिटिवली रेडिएट कर रहा है. ये आपको वो एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा लो भी फील कर रहे हैं, अगर आप उन वाइब्रेशंस में नहीं है तो अपने आप को उठाइए. सिंग अ सॉन्ग बेबी, सिंग अ सॉन्ग, राइट. अपने आप को लिफ्ट करिए सो दैट जब आप आगे बढ़ें अपने डे टू डे प्रोसेस में आप लो ना फील करें. आप ये याद करें और याद अपने आप को बार बार रिमाइंड कराएं दैट यू कैन ओनली अट्रैक्ट अमेजिंग थिंग्स इन योर लाइफ अगर आप उसके बारे में जेन्युइनली बिलीव करते हैं. एंड इट्स मैजिक. कहते हैं ना जादू अगर मानो तो है, नहीं तो हाथ की सफाई है, राइट. सो एक्स्ट्रॉर्डनरी वेल्थ, एक्स्ट्रॉर्डनरी एम्पावरमेंट इज कमिंग योर वे. यू जस्ट हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि आपने अपने आप को लो एनर्जीज में नहीं जाने देना है. जो नहीं समझ आ रहा है उसको लेट गो करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है. एंड दैट इज ए बैलेंस, राइट. जो अच्छा है उसको रखिए, उसको संभाल कर रखिए, लेकिन जो नहीं है आपके फायदे के लिए उसको जाने दीजिए. डोंट हैव मैलिस, मन में मेल मत रखिए किसी के लिए भी. कंपैशन बिगेस्ट थिंग इन लाइफ, वो जरूर रखिए. और यू नो जस्ट मूव ऑन इन योर लाइट, शाइन ब्राइट, दैट्स इट. इतने कमाल के मैसेजेस हैं, सुपर. लविंग वर्ड्स हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. सो टेरो एडवाइस लेते हैं, देखते हैं टेरो क्या गाइड कर रहा है आपको. What is that you need to see, my beautiful soul tribe? So, मैं एक इंटूटिव टैरो रीडर हूँ, काफ़ी समय से ये कर रही हूँ, राइट.
और अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा। मुझे 5 शफल्स बोल रहे हैं, वो मैं आपके सामने करूंगी, राइट। और अगर आपको शफलिंग बॉदर करती है आप म्यूट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मेरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया देख लीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मंत्र ऑन द चैनल, लेट्स हील द वर्ल्ड कलेक्टिवली सो दैट वी कैन हील आवरसेल्व्स, राइट। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देयर आर नो रीजंस और सीजंस टू स्प्रेड हैप्पीनेस जॉय पीस, गिव इट आउट। ये तो मुफ्त में दे ही सकते हैं, आजकल तो अंगूठा भी वैसे लोग मुफ्त में नहीं दे रहे, बट स्प्रेड पीस या स्प्रेड जॉय, स्प्रेड हैप्पीनेस। सेल्फिश मोटिव से कर लीजिए कि वो आपको पीस ला के देने वाला है, राइट। एक और शफल एंड देन आई स्टॉप। शो मी द मैसेज आई नीड टू सी, शो मी द मैसेज टू लव एंड हीलिंग, शो मी द मैसेज फॉर द हाई स्कूल, शो मी द मैसेज आई नीड टू सी एंड डिलीवर टुडे। थैंक यू माय डियर, वी हैव आर्कएंजल माइकल विद अस, फादर विद अस। Show me the messages I need to see. Show me the messages I need to see. We have the King of Pentacles at the bottom. Let's see. What do we need to see? 357. जैसे भी स्प्रेड आता है वो हम लेते हैं, ओके, क्योंकि डेली वाइब है, रिवर्सल्स नहीं करते हैं, इन चीज में टैप इन करते हैं, ओके, ध्यान ये रखिएगा। और गुड एनर्जीज, ये दो हैं, एक लेना है, कह रहे हैं कि 3। लेट्स सी, आज सुबह आई वाज मेडिटेटिंग, यू नो, इट वाज ऑल अबाउट ट्रिनिटी एंड या, सो लेट्स सी व्हाट इज इट यू नीड टू सी। लेट्स सी पीपल, लेट्स सी आप लोगों को क्या जानना है, राइट। Right. Presumably, अगर इसको हम ध्यान से देखें, आई एम गिविंग यू टाइम माई सोल ट्राइब। जो लोग इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं प्लीज इस रीडिंग को लीजिएगा। जो अगर आपके साथ ये नहीं रेजोनेट करता है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट योर स्टोरी, इट्स नॉट मेंट फॉर यू, प्लीज डू नॉट फिक्स इट यू, ओके। As I said, there are no reversals, right? And only energy that we tap in, so no genders. Disclaimer, because somebody did text me on that front and I told them that, you know, it's not about gender, it's about the energy only. So I'm going to explain the cards now. Let's start with the Jack here, okay? Let's talk about this. So see, with the Jack of Spades here, what is it really talking about? It's basically in this deck, it's all about judgment, okay? It's the potential that you have in you. Us potential ko tap in karna hai, jaise Jofiel ne message diya hame, that you have those attributes. You are a star, just know that you are a star, right? Mirror or projection hai ye, dhyan se dekhenge agar. So it's mirror and projection. Aapko wahi wo remind kara rahe hain ki be careful, ki aap kya keh rahe hain, kya kar rahe hain, because दैट इज़ दी एडवाइस। क्या होता है ना, बहुत दफ़ा हमें पता होता है, हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही होती है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, हम बाईपास कर देते हैं। दैट्स वॉट द रिमाइंडिंग यू, प्लीज डोंट बाईपास इट, बिकॉज दैट्स वॉट इज रिमाइंडिंग यू दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एंड जजमेंट इज योर, जजमेंट बेसिकली इज अबाउट द राइट साइड ऑफ थिंग्स, राइट। जजमेंट हमेशा तभी होती है, शनि सैटर्न क्यों आता है, जब उस व्हेन द थिंग्स हैव टू बी सेट राइट इन प्लेस, राइट। दैट इज वाई यू हैव दिस हियर, इट्स अ वेरी सुपर वन, बहुत ही अच्छा है। एंड इट्स फॉलोड बाय व्हाट, 4 ऑफ क्लब्स, राइट। व्हाई, ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट, इट इज लाइक द 4 ऑफ वांड्स, राइट। यूजुअल डेक में 4 ऑफ वांड्स की तरह है ये, फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, सेलिब्रेशन, यू नो, वाइट पिकेट फेंस एंड ऑल ऑफ दैट, कमिटमेंट्स। इट सेज ये सब पॉसिबल है, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट। दैट इज व्हाट आर्कएंजल यूरियल आल्सो सेड, दैट यू नो, यू हैव सो मच ऑफ हेल्प अराउंड यू, whether it's in regard to your business, your career, your people, your relationships, any dynamic, aapke paas bahut help hai, okay, just remember, just remind yourself ki us potential ko aapne ignore nahi karna hai, because isi potential ki wajah se aap is taraf jayenge, right, aap is taraf ja payenge, ye outcome hai basically. Aur 5 of clubs again, caution, more caution, इस स्टेबिलिटी को खतरा है इससे,
ये आपको रिमाइंड करवा रहे हैं. क्यों रिमाइंड करवा रहे हैं? बिकॉज इट्स लाइक द डेविल एनर्जी. ओके, यूजुअल्स में जैसे होती है, इट्स लाइक अ डेविल एनर्जी के कंट्रोल की है, अटैचमेंट की है, फिक्स्ड हेड की है कि मैं ऐसे ही करता हूँ या करती हूँ. दीज थिंग्स हैव टू बी डन लाइक दिस. मैं बदल नहीं सकती या आई के नॉट चेंज. यू श्योर कैन. अगर आप चेंज करेंगे तो ही आप ये आउटकम ले पाएंगे. यू विल बी ओनली एबल टू हैव फोर ऑफ वॉन्ट्स इन योर प्रैक्टिस इन डे टू डे, तभी जब आप उसको लेट गो करेंगे और अब वो माइंडसेट चेंज करेंगे. अ न्यू स्टार्ट कैन हैपन एनी टाइम. इट्स नॉट अबाउट द प्लेस, इट्स नॉट अबाउट द सिचुएशन, इट्स नॉट अबाउट द एक्सपीरियंस. इट्स अबाउट दैट माइंडसेट, दैट शिफ्ट दैट हैपन्स. और उस शिफ्ट के लिए ही वो बोल रहे हैं कि इतना पोटेंशियल है ना, इतना पोटेंशियल है कि अगर आप चाहें तो आप एक्चुअली में चेंज कर सकते. यू कैन मैनिफेस्ट सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ. क्योंकि ये टाइम बहुत अच्छा है, रीसेट टाइम है ये. वेस्टर्न वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं डाबल करती हूँ डिटेल में. बहुत ज़्यादा नंबर्स या ज़ोडियक जो मुझसे बात करते हैं उनके बारे में जनरल में नहीं ऑब्वियसली मैं बात करती हूँ. लेकिन ऑफकोर्स एज आई सेड देयर इज अ लॉट ऑफ कैप्रिकॉर्न एनर्जी दैट आई सी, स्टेबिलिटी. ऑफकोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ अर्थ एयर साइन दैट आई सी. सो मेक श्योर दैट योर हेड एंड हार्ट इज बैलेंस्ड. ओके, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका हेड और हार्ट लाइंड नहीं है. ओके, सो गेट दैट इन प्लेस, गेट द एलिमेंट्स राइट. एक बार वो सही हो जाएंगे तो चीज़ें अपने आप स्मूथ हो जाएंगी. सो अमेजिंग. जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए. ओके, यू हैव ऑल द पोटेंशियल टू हैव दिस 11-11 कार्ड. ओके, सुपर. सो लविंग वर्ड्स ऑफ फादर कितने, देखिए कितने अच्छे हैं. इनफैक्ट दो आए, राइट, दो. सो एक था कि प्रे ऑलवेज, प्लीज डू प्रे, प्लीज मेडिटेट, प्लीज कॉन्टम्पलेट, प्लीज सिट विद भगवान जी, प्लीज सिट विद हूएवर यू वांट टू, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल गेट योर आंसर्स राइट. आपको समझ आएगा कि आपको किस तरफ जाना है, किस दिशा में जाना है. और जब वो समझ आएगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड, वही कैन सीक एंड यू शैल फाइंड. आपको वो समझ आ जाएगा तो आप वो सारी चीज़ें बेसिकली अपने ड्रीम्स डिजायर्स आप मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं. और जब आप उसको उस सोर्स के साथ जोड़ते हैं जिसमें आप बिलीव करते हैं, देन ऑफ कोर्स इट टर्न इनटू रियलिटी, राइट. बिकॉज वो आपकी हेल्प करते हैं और आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आने वाले डेज में, बिकॉज यू रीसेट टाइम है, आने वाले डेज में द टाइम इज गोइंग टू बी अमेजिंग. सो आई फील मार्च इज गोइंग टू बी फैबुलस. अप्रैल ऑल्सो गोइंग सीम्स वेरी गुड फॉर ऑल द साइंस. ऑफकोर्स ह्यूर एंड देयर है, बट दैट्स वॉट लाइफ इज अबाउट ना. इट्स रोलर कोस्टर. यू कैनॉट हैव all the greens all the time. You need to add more color, right? So this is what I have for you in the hashtag VDW, right? Do like the reading, subscribe to the channel. I send you lots of love and light. You can do the same. And you know, just remember that I love you so much. Thank you for watching. Bye.